वालेकुम बात करते हैं फ्रेंकन की सो फ्रेंकन इज अ गोथिक नोवेल बाय मैरी शेली वाइफ ऑफ टी बी शेली सो रोमांटिक एज के एंड पे ये जो गोथिक नोवेल स्टार्ट हुए इनका अगर कोई नोवेल जिसको आप स्टीरियोटिपिकल समझते हैं या जिसको प्रोटोटाइप समझते हैं तो दैट इज फ्रेंकन सो दैट इज सिंबॉलिक ऑफ द गोथिक नावल्स फ्रेंकनस्टाइन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वी हैव विक्टर फ्रेंकनस्टाइन सो विक्टर फ्रेंकनस्टाइन जो है एक प्रोटैगनिस्ट है है, एक साइंटिस्ट है एक हेमिस्ट है एंगल्स so स्टार्ट uh, uh, में अपनी स्टडीज की और उसके बाद uh, जो सीक्रेट जो है लाइफ का वो हासिल किया और एक मॉन्स्टर क्रिएट किया अब ये जो मॉन्स्टर है इसकी क्रिएशन के बाद वो खुद इससे डर गया क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके लिए खतरनाक साबित हुआ सो अपनी क्रिएशन को सीक्रेट रखता है और इसलिए वो डरता है उसे शेम फील होती है कि किस तरह ये जो मॉन्स्टर है उसकी लाइफ को तबाह कर सकता है दूसरों की लाइफ को तबाह कर सकता है तो उसने बड़ी गलती कर दी एक इस तरह का मॉन्स्टर क्रिएट करके नेक्स्ट यू हैव द मॉन्स्टर

वहां हो जाता है यानी अपने क्रिएटर के खिलाफ हो जाता है रॉबर्ट वॉल्टन ये एक समुद्री सफर करने वाला आर्कटिक ओशन के ऊपर भी सफर कर रहा है और बेसिकली इसके लेटर्स जो हैं, वो इस नावल को स्टार्ट भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं सो वो इसको बेसिकली उठाता है एक बर्फ से जहाँ पे बर्फ बर्फ के ऊपर ये पड़ा होता है और उसको नर्स करता है उसे वापस सेहत में लेके आता है और उसकी स्टोरी सुनता है विक्टर की सो so, वो बेसिकली जो टेल है मुख्तलिफ लेटर्स की सूरत में अपनी बहन मार्गरेट सेविल को बताता है जो कि इंग्लैंड में एलिजबे एक और फंड है वो तकरीबन चार पाँच साल छोटी है विक्टर से जिसको फ्रेंकनस्टाइन इन फैमिली ने अडॉप्ट किया था 1818 के इस नॉवल के एडिशन में ये एलिजाबेथ जो है विक्टर की कजन है लेकिन 1831 के एडिशन में जो आ, ये है ये एक फैमिली की है जिसको रेस्क्यू किया जाता है तो ये थोड़े से डिफरेंट इसके अंदर चेंजेस इसके अंदर आई एलिजब जो है वो एक वुमेन को एम्बॉडी करती है और वो विक्टर की अटेंशन चाहती है उससे आ, उससे प्यार करती है उसकी मोहब्बत चाहती है सो हेनरी क्लरवल सो ये विक्टर का बॉयहुड फ्रेंड है जिसकी बड़ी केयर की विक्टर ने और इसने विक्टर की बड़ी केयर की सो चूंकि ये अनहैपली ही वॉज वर्किंग फॉर हिज फादर सो उसने फॉलो किया विक्टर को उसके लिए इंस्पिरेशन था सो उसने उसको फॉलो करके एक जो साइंटिस्ट होने के जो फुट स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना शुरू कर दिया लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विक्टर को फॉलो करके आगे उसे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे

ताके, आ, उसको एहसास हो कि उसने फ्रेंकनस्टाइन को क्यों छोड़ा यानी अपने क्रिएशन को क्यों छोड़ा सो so, विलियम की डेथ बहुत सेडन करती है विक्टर को और इसमें गिल्ट ज्यादा बढ़ जाता है कि उसने ये मॉन्स्टर क्यों बनाया थीम्स देखा जाए तो डेंजरस नॉलेज के क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम डेट विच इज नॉट अलाउड और इट इज जस्ट लाइक गोइंग अगेंस्ट द नेचर सो सब्लाइम नेचर नेचर यानी nature की अपनी क्रिएटिविटी है नेचर की अपनी क्रिएशन है आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो यू गो अगेंस्ट द ऑफ नेचर और उसके हॉरर्स मिलते हैं आपको मॉन्सट्रोसिटी के जो मॉन्स्टर है वो मॉन्स्टर ही रहेगा उसके अंदर जो एग्रेशन है दैट विल रिमेन देर सिक्रेसी जो वो अपनाता है मॉन्स्टर को बनाने के बाद फैमिली वैल्यूज इसमें दिखाई गई जिनको अल्फोंस से अपने बेटे को समझाता है और विलियम उसके भाई के मरने पे इसको ज्यादा समझ आती है एलियनेशन जो कि ये मॉन्स्टर फील करता है सोसाइटी से और एम्बिशन जो कि उसके अंदर है इन दोनों में यानी मॉन्स्टर के अंदर भी एम्बिशन है कि वो इसका बदला लेगा अपनी उस एहसास महरूमी का और विक्टर के अंदर भी एम्बिशन है कि वो एक ऐसी चीज क्रिएट करेगा अब रॉबर्ट वॉल्टन जो है कैप्टन है शिप का जो कि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और अपनी बहन को अपने हालात बताता है अपने डेंजरस मिशन के बारे में बताता है So, यहाँ पे वो बताता है कि जो आइस की वजह से उसका जो मिशन है वो इंट्रप्ट हुआ और जब वो ट्रैप था तो उसको विक्टर फ्रेंकिनस्टाइन मिला जो एक डॉग ड्रॉन स्लेज वो उसको उसके ऊपर ट्रेवल कर रहा था उस समुंदर उस बर्फ के उस समुंदर के ऊपर तो ये अब वो काफी कमजोर हो चुका था ठंड के बाय सो so, जो वॉल्टन है वो उसे शिप के ऊपर लेके आता है उसे नर्स करता है उसे हेल्थ की तरफ वापस लाता है और फिर उसकी एक फैंटास्टिक टेल सुनता है जो मॉन्स्टर उसने बनाया फ्रेंकनस्टाइन यानी विक्टर फ्रेंकनस्टाइन ने जो मॉन्स्टर बनाया उसका नाम उसने फ्रेंकनस्टाइन ही रखा विक्टर पहले बताता है अपनी लाइफ जेनोवा में और फिर वो एक चाइल्डहुड के बारे में बताता है फिर वो बताता है एलिजबथ लेवेंजा जो के आ, उसकी कजन या उसके अडॉप्टेड सिस्टर مختلف ورژنز کے اندر और फिर अपने फ्रेंड हेनरी फ्लोरवेल के बारे में सो वो जो यूनिवर्सिटी में और फिर यूनिवर्सिटी के वाक्यात बताता है नेचुरल फिलासफी और केमिस्ट्री में जिस तरह इसको मोहब्बत थी इन्वॉल्वमेंट थी सो यहाँ से उसके अंदर एक डिजायर आई आ, कि वो डिस्कवर करे सीक्रेट ऑफ लाइफ और कुछ अरसे की रिसर्च के बाद उसे पता लगा उसे वो कन्विंस हो गया कि उसने वो सीक्रेट हासिल कर दिया फिर उस डेंजरस नॉलेज को लेके जो कि वो बड़े अरसे से ढूंढ रहा था विक्टर ने काफी महीने लगाए और उसने फिर एक क्रिएचर बनाई जो कि ओल्ड बॉडी पार्ट्स जो उसने इकट्ठे किए मुख्तलिफ मुर्दों के और उनको जोड़ के उसने एक इस तरह का मॉन्स्टर क्रिएट किया फिर ये वो कि एक क्लाइमेटिक नाइट को जो सीक्रेसी है उसके अपार्टमेंट की यानी उस चूंकि उसमें वो किसी को नहीं पता कि ये कहाँ पे है क्या कर रहा है एक बड़ी हॉन्टेड सी प्लेस है सो वो अपनी क्रिएशन को जिंदा कर लेता है किसी तरह उसको वो जिंदा कर लेता है यानी वो क्रिएशन जो मुर्दों से बनी वो जिंदा हो जाती है तो जब वो उसको देखता है कि तो उसने क्या क्रिएट किया तो वो खुद इस चीज से डर जाता है फिर एक इसको फिट्स पड़ते हैं उस अनप्टेड स्लीप्स होती हैं फिर ये उस मॉन्स्टर को अक्सर देखता है कि वो उसके आसपास फिर रहा है तो ये उस डिप्रेशन में आके स्ट्रीट्स में भागता है और इवेंचुअली जो है वो एक गिल्ट उसके अंदर आ जाता है सो so, विक्टर जो है वो हेनरी के पास जाता है जो कि यूनिवर्सिटी में होता है पढ़ने के लिए और वो उसे ले जाता है अपार्टमेंट में और जो है मॉन्स्टर तक चला जाता है सो so, विक्टर जो है वो फीवरिश इलनेस में चला जाता है इसका दोस्त उसकी बड़ी टेक केयर करता है और खैर इस हॉरिफिक डीड के बाद विक्टर जो है वो दोबारा जेनेवा जाता है अपनी फैमिली के पास और थोड़ा सा तब तक वो अपनी हेल्थ को गेन भी कर लेता है लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ने से थोड़ा सा पहले उसको एक लेटर मिलता है अपने फादर की तरफ से कि उसका जो यंगर ब्रदर है विलियम ही हैज बीन मर्डर्ड सो बड़ा होता है दुखी होता है घर आता है अपने जब वो वुड से गुजरता है जहाँ पे विलियम को गला घोट के दबाया गया था वहां पे उसे मॉन्स्टर नजर आता है और उसे पता लग जाता है कि यही मॉन्स्टर है जिसने उसके भाई को मारा और चूंकि ये मॉन्स्टर को ये एक तरह से छोड़ के वहां से भाग आया था तो ये बदला ले रहा है उससे तो so जेनेवा में आके विक्टर को पता चलता है कि जस्टिन मोर्स जो कि एक काइंड uh, गर्ल है जो कि फ्रेंकनस्टाइन ने अडॉप्ट uh, की थी uh, उसके ऊपर एक ये इल्जाम लग चुका है यानी ये लाइक हाउस होल्ड के लिए उसको अडॉप्ट किया था तो ये उसके ऊपर इल्जाम लग चुका है विलियम uh, की डेथ का सो उसको उसके ऊपर मुकदमा चलता है उसे कंडेम कर दिया जाता है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और बेसिकली वो इनोसेंस है इनो सेंस उसके अंदर वो इनोसेंट है लेकिन उसका कोई भी लाइक उसका उसको बारे में नहीं सुनता सो so विक्टर को ये भी डिप्रेशन हो जाता है ये 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 भी गिल्ट फील होता है उसे कि उसकी वजह से हुआ और ये जो नॉलेज है गिल्ट का ये उसे बड़ा भारी हो रहा था उसके ऊपर कि दो इनोसेंट लोग जिनसे वो प्यार करता था वो चले गए इस दुनिया से सिर्फ इसकी वजह से अब अपने ग्रीफ को ईज करने के लिए विक्टर जो है वो एक वेकेशन पे जाता है माउंटेन्स में जहाँ पे लाइकोन और वहां पर भी आ जाता है सो मॉन्स्टर एडमिट करता है कि उसने विलियम को मारा लेकिन वो कहता है कि मुझे समझो मुझे अंडरस्टैंड करो इसमें so uh, वो केला है एलियनेटेड uh, है सो so वो कहता है कि uh, वो बेसिकली उसने विलियम को इसलिए मारा कि वो विक्टर को इंजर uh, कर सके जो कि उसका क्रूअल क्रिएटर है उसे अंदर से इंजर कर सके लेकिन उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो और मेरे लिए एक मेट बना दो यानी मेरा एक साथी बना दो जो कि मेरी तरह का ये बेचक घिनौना हो लेकिन एक तरह से मेरा सोल कंपेनियन हो ताकि मुझे समझ सके यानी जो आम लोग हैं जो आम शक्ल सूरत वाले वो मुझे नहीं समझते सो विक्टर जो है वो शुरू में तो डर जाता है इस बात पे लेकिन माँ वो इसको यानी शुरू में रिफ्यूज करता लेकिन मॉन्स्टर बड़ा इलोक है प्रजेजिव है सो उसे कन्विंस कर लेता है विक्टर को सो जेनिवा आने के बाद विक्टर जो है वो इंग्लैंड की तरफ जाता है और उसमें उसके साथ हेनरी है और वो लाइक जो फीमेल मॉन्स्टर है उसके लिए चीजें इकट्ठी करता है अब हेनरी को स्कॉटलैंड छोड़ के वो खुद एक डेजोलेटेड आईलैंड पे जाता है और वहां पे जो है अपनी फर्स्ट सक्सेस को रिपीट करता है एक और मॉन्स्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता है एक राज्य वो मॉन्स्टर को बनाने के मरहले के दरम्यान होता है तो उसको फिर डाउट्स आते हैं कि जो क्या मैं एक्शंस कर रहा हूँ और पहले के रिजल्ट्स में भुगत रहा हूँ और दूसरा अब क्या क्या करेगा मुझे क्या पता कि ये दोनों मॉन्स्टर्स मिलके क्या तूफान लेके आएंगे तो वो देखते कि बाहर से जो मॉन्स्टर उसे घूर रहा है और उसके यानी उसको देख के यानी मॉन्स्टर्स ग्लेयर दे रहे अपनी सो इस चीज में बड़ा हॉरीफाइड होता है कि ये चीज ठीक नहीं हो रही वो अपनी नई क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर देता है मॉन्स्टर जो उससे बड़ा गुस्सा आता है वो कहता है कि मैं तुमसे रिवेंज लूंगा और ये रिवेंज होगा तुम्हारी वेडिंग नाइट पे खैर उसी रात को विक्टर जाता है बोट में और वो जो आ, सेकंड क्रिएचर के लिए जो उसने बॉडी पार्ट्स काटे किए होते हैं उन्हें डंप करके आता है अब वहां पे जो है तूफान आ जाता है और वो वहां से आ, जो है आइलैंड की तरफ वापस नहीं आ पा रहा होता सो सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है वो शोर के आसपास है एक अननोन टाउन में और अरेस्टेड है तो यानी लॉन जब वो जब वो जगह पे लैंड करता है यानी वापस आता है तूफान खत्म हो चुका है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे पता लगता है कि जो मर्डर हुआ प्रीवियस नाइट पे ये उसकी वजह से इसको पकड़ा गया सो विक्टर डिनाय करता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया लेकिन जब बॉडी दिखाई जाती है तो वो देखता है कि वो हेनरी क्लरवेल की बॉडी होती है और उसके ऊपर मॉन्स्टर के निशान होते हैं उसके नेक पे खैर विक्टर जो है वो बी, बीमार पड़ जाता है से रम से गम और उसे प्रिजन में रखा जाता है बाद उसके बाद उसका इलाज कराया जाता है पर जब वो पता चलता है कि इसने उसको नहीं मारा तो उसको आजाद कर देते हैं अब एक और डेथ हो गई इसके क्लोज वन यानी हेनरी की जो उसका फ्रेंड था और वो सारा मॉन्स्टर की वजह से सो शॉर्टली आफ्टर रिटर्निंग टू जेनेवा फादर सो विक्टर एलिजबेथ से शादी कर लेता है अब उसे डर है कि मॉन्स्टर ने जो बात कही वो सच ना हो जाए तो वो यानी वेडिंग नाइट पे वो इधर होगा यानी बदला लेगा सो इसलिए वो कॉशियस होके एलिजबेथ को उससे अपने आप से दूर भेज देता तो है और उससे कहता है कि मेरा वेट कर लो और खुद वो मॉन्स्टर का वेट कर रहा होता है कि मॉन्स्टर ने आना है उसके पास उसके घर में अचानक तो उसे एलिजबेथ की स्क्रीम्स की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर बेसिकली ये करना चाह रहा था कि वो उसकी नई ब्राइड को कत्ल करना चाह रहा था इसको नहीं सो so, विक्टर जो है वो परेशान होता है क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो भी मर चुकी होती है सो so, वो अपने फादर के पास आता है और वो भी थोड़ी देर बाद गम से मर जाता है फादर भी यानी वो सारे ये कुछ सुन के सो so, विक्टर जो है वो फिर आ, एक यानी वो करता है कि मैं पूरी लाइफ अपनी गुजारूंगा इस मॉन्स्टर को ख़त्म करने में और इसको लाइक रिवेंज लूंगा इससे और फिर वो अपने उस मकसद पे निकल खड़ा हो विक्टर जो मॉन्स्टर को ढूंढता है और वो ढूंढते ढूंढते नॉर्थवर्ड साइड पे आ जाता है आइस में उसी डॉग स्लेज का वो चेज होता है जिसके ऊपर इसको शुरू में रेस्क्यू किया जाता है सो विक्टर ऑलमोस्ट मॉन्स्टर को पकड़ लेता है लेकिन जो सी है वो स्वेल होता है और जो आइस है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है और उन दोनों के दरमियान काफी अनब्रिजेबल गैप बन जाता है यानी दोनों आइस पे होते हैं लेकिन उसके दरमियान नीचे ठंडा पानी यानी समुद्र होता है वहां से बर्फ टूट चुकी होती है तो so, यहाँ पे वॉल्टन जो है वो आता है जो शुरू में आया था और वो विक्टर को देखता है और उसको साथ ले जाता है और अपने आ, बेसिकली सिस्टर को ये सारी बातें लिखता है सो so, वॉल्टन ये भी बताता है कि यानी स्टोरीज में एक और यानी जो लेटर लिखता है अपनी सिस्टर को कि विक्टर आ, जो कि पहले बीमार था और जब ये लोग मिले सो उसकी तबीयत उसके बाद ज्यादा खराब हो गई और वो उसके बाद शॉर्टली ही डाइट सो so, वॉल्टन जब वापस आया आ, काफी दिनों बाद तो वो जो रूम जिसमें लाइक like, uh, so, uh, like, so, uh, रखा था वहां पे मॉन्स्टर बैठा हुआ था वो वहां पे रो रहा था वहां पे आंसू बहा रहा था सो मॉन्स्टर वॉल्टन को बताता है कि uh, जो एक सफरिंग uh, और हीटरेड और रिमोर्स वो फील कर रहा है और जो उसने सारी उम्र किया विक्टर की वजह से So, वो कहता है कि अब चूंकि उसका क्रिएटर मर चुका है उसका इंतकाम भी खत्म हो चुका है और जब क्रिएटर मर गया तो क्रिएशन का भी जीने का फर्ज नहीं बनता है डूब so, के मर जाए सो so, ये बेसिकली फ्रेंकनस्टाइन था अगर आप इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे सो यू विल रियलाइज के हाउ लाइक हॉरिफाइंग द सेटिंग का जो सिलेक्शन है वो कैसा है जो इलाका दिखाया गया जो हासिल दिखाया गया जो सॉलिट्यूड और उसके अंदर जो एक खोफ एक मॉन्स्टर का वो कितना भयानक है सो आई होप यूर गोइंग टू लव दिस सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा